नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेलकम, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि 200 MB के अंदर कुछ अच्छे गेम्स खेलना चाहते हैं और उनके पास एक लो एंड पीसी है। लो एंड पीसी मतलब अल्ट्रा लो एंड पीसी, इसमें ना ग्राफिक कार्ड है ना भैया ढंग का रैम है। तो वेल गाइस, मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 10 गेम लेकर आराम से इन सभी गेम्स को अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप पे खेल सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई घर के आ रहे हो, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो एंड जो बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, क्योंकि मैं जैसे कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन। एंड बेसिक मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया मैड आउट गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, इस गेम को रिलीज किया गया 2 फरवरी 2017 को। एंड इस गेम का क्या कहना भाई, इस गेम का जितना तारीफ करूं उतना कम है। आप जैसे गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी देख सकते हैं एंड इस गेम का यार मैप देखो कितना बड़ा मैप है। अब आप बोलोगे भाई थोड़ी ना ही गेम का साइज 300 या 400 MB, इस गेम का साइज तो बहुत होगा भाई, 3 से 5 GB होगा। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इस गेम का साइज मिनिमम मात्र 300 MB है। आपको बस 300 MB डाउनलोड करना है एंड ये गेम आपके लो एंड से लो पीसी एंड लैपटॉप में गेम आराम से चल जाएगा। दूसरी बात कि इस गेम में आपको सिंगल प्लेयर भी खेलने का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पर आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स और ऑनलाइन भी खेल सकते हैं जैसे कि हम GTA 5 में रोल प्ले मोड खेलते हैं। तो इस गेम में आप टोटली वो सभी चीज़ खेल सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। एंड इस गेम में आपको काफ़ी सारे यार स्पोर्ट्स कार्ड देखने को मिल जाती है, इंटरेस्टिंग टाइप के आपको इसमें मिशन देखने को मिलेंगे। यार मैं कसम से बताऊँ तो आप इसे छोटा GTA 5 का दर्जा दे सकते हो, जिनके पास उतना हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है या उनके पास उतना डेटा है और वो GTA 5 खेलना चाहते हैं तो भाई ये गेम आप ही के लिए बना है। तो जरूर से इस गेम को ट्राई करना एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है भाई वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। सो वेल गाइस, रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। स्पेस की बात करें तो भैया 500 MB के आसपास स्पेस खाली रखना। एंड प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इस गेम को इंस्टॉल करना है तो मेक श्योर आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आप इस गेम को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है हिटमैन ब्लड मनी। हिटमैन ब्लड मनी की बात करें तो 2006 का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है। गेम को डेवलप किया गया आयो इंटरैक्टिव के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इडोस इंटरैक्टिव के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी दोस्तों आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल हिटमैन का किरदार को यहाँ पर निभाते हैं, पर अलग अलग कंट्री के सिटी पे यहाँ पर आप ट्रैवल करते हो एंड यहाँ पर आपको जो भी टास्क दिए जाते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर आपको मिशंस दिए जाते हैं उसे आपको कंप्लीट करना रहता है। अपने मिशंस को साइलेंटली कंप्लीट करना पड़ता है जैसे कि जो एक हिटमैन करता है। तो काफी अमेजिंग गेम है दोस्तों, आपको जरूर से खेलना चाहिए एंड इस गेम का जो एनवायरमेंट देखने को मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। मैप काफी बड़ा है दोस्तों, काफी अच्छा रियलिस्टिक ग्राफिक्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। गेम को आप आराम से 280 MB में डाउनलोड कर सकते हो, से जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, उसका नाम है टोटल ओवरडोज। एंड दोस्तों, इस गेम को आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार जरूर खेला होगा। तो टोटल ओवरडोज की बात करें, ये एक ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग मैक्सिकन स्टाइल वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया डेड लेंस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया SCI गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही आसान तरीका से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 16 सितंबर 2005 को। गेम की बात करें तो गेम स्टार्ट होता है दोस्तों 1989 को, जहां पर अर्नेस्टो क्रूज जो एक अंडरकवर कॉप रहता है, DEA एजेंट रहता है, और वो एक जंगल में जाता है। एक लोकल आर्मी से उसका झड़प हो जाता है जहां पर वो एक इकट्ठा करने जाता है पापा मोटरे, जो कि बहुत ही बड़ा यार मतलब क्रिमिनल रहता है या गैंगस्टर ही बोल सकते हो, जो कि ड्रग्स व्रग्स का सप्लाई करता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारा DEA एजेंट रहता है उसे मिल जाता है सबूत एंड वो जब वापसी करते रहता है तो होता क्या है कि जो हमारा गैंगस्टर रहता है उसके दो ऑफिसर DEA एजेंट में रहते हैं, अस्ट्रे रहता है, उसे वो प्लेन से फेंक देते हैं। और DEA का मीटिंग होता है कि भैया वो हमारा DEA एजेंट कैसे मरा, तो ये रिपोर्ट आता है कि वो ड्रग्स, कोई भी मिशन अपना जो टास्क कंप्लीट करने के लिए ड्रग्स का ओवरडोज देता था, इस वजह से वो प्लेन से गिर गया और मर गया। तो यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर आप कार चला सकते हो। जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो सभी चीज़ इस गेम में आप कर सकते हो। साथ ही साथ गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है।
बात करें तो मात्र 256 MB होना चाहिए आपकी पीसी या लैपटॉप पे, और वीडियो मेमोरी की बात करें मतलब ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 32 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। और सीपीयू की बात करें, इट्स मीन प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आयरन मैन। एंड दोस्तों आयरन मैन एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया सेगा के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये आपके ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स एंड अपने प्लेस्टेशन 3, इनफैक्ट अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीका से इसे आप खेल सकते हो। इस गेम को दोस्तों रिलीज किया गया था May 2008 को। बेसिकली इस गेम में मोड की बात करें तो भैया अभी तक ये सिंगल प्लेयर ही आता है। एंड गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आप आयरन मैन, अगर आपने फिल्म देखा होगा आयरन मैन फिल्म, तो पूरा स्टोरी लाइन सेम टू सेम जैसे फिल्म में हमें दिखाया गया था पूरा इस गेम में पूरा चेप दिया गया है। यहाँ पर आप एक आयरन मैन का किरदार निभाते हो जो कि हम सभी जानते हैं जिसका नाम टोनी स्टार्क रहता है, तो क्योंकि बेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गेम का मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगता है कि इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिलेगा। इस गेम का जो मैप है काफी बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ साथ गेम की साइज की बात करें तो भैया गेम मात्र 200 MB का है। तो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। गाइस हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है वो भी एक मार्वल सुपर हीरो गेम है। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ द इनक्रेडिबल हल्क की बात करें। 2008 का एक काफी पॉपुलर वीडियो गेम रह चुका है दोस्तों। उस टाइम इस गेम को काफी ज्यादा हाइप देखने को मिली थी एंड ये गेम अभी भी काफी सारे लोग प्ले करते हैं। गेम की बात करें तो गेम में बेसिकली आप एक सुपर हीरो रहते हो जिसका किरदार हल्क रहता है। एंड बेसिकली आप सभी हल्क को अच्छे से वाकिफ है कि हल्क क्या चीज है। इस गेम में आप तबाही वही मचा सकते हो, बिल्डिंग को तोड़ फाड़ कर सकते हो, इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली यहां पर आपको अपने सिटी को एनिमी से प्रोटेक्ट करना रहता है। व्हाइल कंप्लीटिंग मिशन यहां पर आप काफी सारे एंजॉयमेंट कर सकते हो, आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें कोई भी नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी पुराने प्रोसेसर में गेम चल जाएगा। और इस गेम का साइज मात्र 200 MB है, तो आप खुद फान के जाए इस गेम को इंस्टॉल कर दो। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है GTA 3। GTA 3 की बात करें तो 2001 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी दोस्तों आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, ग्राफिक्स भी नेक्स्ट लेवल का है। आप इसका एक ट्रायलॉजी एडिशन भी खेल सकते हैं जो कि हाल ही फिलहाल में रिलीज हुआ है, बट यहाँ पर हम लो एंड पीसी वालों के लिए बात कर रहे हैं, पीओपी है। एंड गेम में बेसिकली आप एक गैंगस्टर का किरदार निभाते हो जहाँ पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके ओपोनेंट गैंग मेंबर्स को यहाँ पर आपको डिफीट करना रहता है एंड सिटी में सर्वाइव करना पड़ता है, तो काफी अमेजिंग गेम है। तो वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 96 MB होना चाहिए। एंड ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी पुराने से पुराने प्रोसेसर में गेम चल जाएगा दोस्तों। स्पेस की बात करें गेम इंस्टॉल करने के लिए, गेम का सेटअप की बात करें तो 98 MB है बस गेम का सेटअप। अब भाई बोलोगे इतना हो ही नहीं सकता, तो नहीं चलने के वहां से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। सेवेंथ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है हाफ लाइफ अपोजिंग फोर्स। एक एक्शन वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों इसे पब्लिश किया गया वैल्यू कॉर्पोरेशन के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें यहाँ पर आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक स्पेशल फोर्स में काम करता है जिसका नाम मानसा रहता है। एंड उन फोर्स का ये काम रहता है कि भैया जो भी अनवांटेड वेपन जो भी उनके टेररिस्ट बना रहे हैं, क्रिमिनल्स बना रहे हैं, उनको डिटेक्ट करना फाइट करना पड़ता है। एंड यहाँ पर आपको क्रिएचर के साथ ही साथ आपके जो एनिमीज रहते हैं वो आपको हाईटेक वेपन से आपके ऊपर यहाँ पर अटैक करते हैं, जो टेररिस्ट सब रहते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर आपको डिफीट करना रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन है यहाँ पर, काफ़ी चैलेंजिंग मिशन देखने को मिलेंगे। एंड ये गेम भी दोस्तों आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम को खेल के। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इसकी बात करें तो मात्र 160 MB है, तो आप खुद फन के जाए इस गेम को इंस्टॉल करें। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर।
Alright, तो वेलगे जो मेरे 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सीरियस सैम द फर्स्ट एनकाउंटर। एंड गेम की बात करें तो वेलगे इस गेम को डेवलप किया गया क्रॉम्पटन गेम्स के द्वारा। एक गन फाइट बैटल गेम है जहां पर आपको अलग अलग क्रिएचर्स को यहां पर आपको डिफीट करना रहता है वाइल कंप्लीटिंग मिशन। दोस्तों यहां पर आपको काफी सारे अलग अलग क्रिएचर्स आपको मिलेंगे जिसे आपको यहां पर किल करना डिफीट करना पड़ता है, आगे मिशन को कंप्लीट करना पड़ता है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर आपको काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो भैया काफ़ी मज़ेदार गेम है, आपको जरूर से इस गेम को ट्राई करना चाहिए। एडवेंचर गेम खोज रहे हो तो सिस्टम रिक्वायर्ड रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई डेड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोई भी प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हैं मात्र 200 MB में। तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो मेरा 9th गेम निकल के आता है हमें टू ट्रक सिमुलेटर 2015 एक ओपन वर्ल्ड सिमुलेशन गेम टाइप। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट के द्वारा। बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 11th May 2019 को। एंड सारे साथ दोस्तों गेम की बात करें तो गेम का मैप काफी यहां पर आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। मोड की बात करें तो भैया यहां पर सिंगल प्लेयर आपको खेलने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सारे साथ यार गेम का जो मैप है वो काफी बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, काफी बड़ा मैप है। एंड यहां पर आपको रियल ट्रैफिक भी देखने को मिल जाता है। गेम में आपका टोटल 3 टाइप का मोड आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर आप एक ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाते हो, जो भी पार्किंग में कार्स रहते हैं उन सभी को उठा के उसके डेस्टिनेशन में आपको पहुंचाना रहता है। तो बेसिकली इसी से आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी है। गेम की साइज की बात करें तो गेम का साइज मात्र 200 MB है। अगर आप इस गेम को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड वेल गाइस इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो मेरा 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टू को हमने कभी ना कभी एक बार अपने लाइफ में जरूर से प्ले किया होगा। टू की बात करें तो भैया एक 2003 का एक प्रैक्टिकल शूटर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है इनर लोप स्टूडियो के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपकी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम में आपको फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। जो मेन प्रोटैगनिस्ट गेम में आप एक डिटेक्टिव का किरदार निभाते हो जिसका नाम डेविड जॉन्स रहता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट फाइट करना पड़ता है, टेररिस्ट ग्रुप हो गए, इसके कैंप्स रहते हैं दोस्तों, उसमें जाके उनको डिफीट करना रहता है, उनके कैंप को डिस्ट्रॉय करना रहता है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहां पर आपको काफी सारा एक्शंस देखने को मिल जाएगा। एंड गेम काफी अच्छा है दोस्तों। इस गेम में आपको जो एनवायरमेंट देखने को मिलता है वो भी ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता है। अगर खेलना चाहते हैं तो जरूर से इस गेम को आप ट्राई करना। तो अब बात कर लेते हैं गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें दोस्तों कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा। टोटल सेटअप साइज की बात करें तो 180 MB है दोस्तों। इस गेम को आप आराम से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं एंड पूरा डिटेक्टिव का मजा ले सकते हो। ये कुछ 10 गेम थे दोस्तों जो कि 200 एमबी के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी गेम दोस्तों काफी अमेजिंग है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके पास एक आलू वाला पीसी है और उनके पास ज्यादा यार स्पेस वेस नहीं है पर वो गेम अच्छा खेलना चाहते हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।